नमस्कार दोस्तों, मैं उदयशंकर मिश्रा, अमर सिंह कॉलेज लखावटी बुलंदशहर, बीएससी एजी फाइनल ईयर। मैं आपको अमर सिंह कॉलेज की मशरूम लैब की तरफ लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको ये बैग दिख रहे हैं। ये हमारे पास में बटन मशरूम प्रोडक्शन कल्टीवेशन के बैग लगे हुए हैं। ये इसमें कंपोस्ट और स्पॉनिंग वगैरह कर दी गई है, बट मैं आपको स्टार्टिंग से लेके थोड़ा आगे तक बताता हूँ कि कैसे क्या इसका कल्टीवेशन करते हैं। बटन मशरूम प्रोडक्शन के लिए हम सर्वप्रथम जो है उसके कंपोस्ट के लिए रेडी करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो स्पॉनिंग का ही यूज करते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए भी हमारे लिए एक लैब चाहिए। बट अगर लैब नहीं है तो स्पॉन आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। और बटन मशरूम का स्पॉन भी कैसे यूज करते हैं और कैसे उसका जो है जर्मिनेशन करते हैं, तो बटन मशरूम में भी मशरूम कोई भी वैरायटी हो, मशरूम यानी कि फंगस, फंगस होता है। और फंगस उत्पन्न करने के लिए हम सर्वप्रथम आप किसी भी, जैसे सपोज दैट वीट का ग्रेन ले लेंगे या सोरगम का ग्रेन ले लेंगे या आप बाजरे का ग्रेन ले लेंगे, और उसके ग्रेन पे आप उसी, यानी कि बटन मशरूम की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप बटन मशरूम के ही स्पोर्ट्स का यूज करते हैं। और उसकी जब स्पोर्ट का यूज करेंगे तो वहां पे बटन मशरूम का उस ग्रेन पे फंगस उत्पन्न होगा और उससे कि हमारा स्पॉन बनता है। और स्पॉन बनने के बाद में आप बात आती है कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट रेडी करने के लिए बटन मशरूम के लिए हम पहले एक जल ले लेते हैं, मतलब कि पानी ले लेते हैं 200 लीटर के समथिंग, और उसमें हम बाविस्टीन का भी यूज करते हैं और फार्मालिन का भी यूज करते हैं। भूसे को भिगोते हैं, भिगोते के बाद में भूसे को रख देते हैं। इसकी प्रोसेस थोड़ी लेंथी है, बट मैं आपको शॉर्टलिस्टेड ही थोड़ा बताना चाहूंगा। और रखने के बाद में फिर आप बटन मशरूम को फैलाएंगे। इसमें भी वही क्रम है थोड़ा सा, कि मॉइस्चर कंटेंट का विशेष ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा जल को निकाल देते हैं और मॉइस्चर उसमें बना रहे, इतना मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं और ड्राई नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में जब इसको फैला देते हैं तो इसमें मिक्सअप के लिए मुर्गी का वेस्टर्न मटेरियल, यानी कि मुर्गी की खाद वगैरह, मुर्गी की खाद का यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं, चोकर का यूज करते हैं, इसी के साथ में कई चीजों का यूज करते हैं। और इनके यूज करने के बाद में इसको ढकने के लिए आप इसमें उसका प्लास्टिक बम्बू का भी यूज कर सकते हैं, जो कि जालीदार आते हैं, नल हैंड पाइप वगैरह में यूज किए जाते हैं, आप उनको डाल सकते हैं जिससे कि एयर क्रॉसिंग होती रहे और ज्यादा दिक्कत ना हो। तो उसको आप फैला देंगे, पहले एक भूसे के लिए फैला देंगे, फिर उसके बाद में तीन से चार आप वो बम्बे फैला देंगे, बम्बा जो प्लास्टिक के होते हैं, और उसको फैलाने के बाद में फिर आप उसके बाद में फिर भूसे की लेयर डालेंगे, फिर उसके बाद में बम्बे लगा देंगे, फिर उसके बाद में लेयर डालेंगे, इस हिसाब से जिससे कि उसमें हाई बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो के भूसा खराब ना हो, भूसे का ध्यान देते हैं। और स्टेलाइजेशन वगैरह भी पहले ही कर लेते हैं जिससे कि उसमें अदर फंगस उसमें जर्मिनेट ना करें। तो इसके साथ में उसको रेडी करने के बाद में उसको ढक देते हैं, एक तिरपाल से ढकने के बाद में उसको छोड़ देते हैं, कुछ समथिंग मान के चलो 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में आप उसको ले लेते हैं। उसको लेने के बाद में आप बैगेज, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैग है, इस बैग, ये इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट पॉली बैग, इस बैग का यूज किया जाता है। इस बैग का यूज करने के बाद में इसमें भी आप उसको जो है कंपोस्ट, जो हमारी रेडी हो जाती है उस कंपोस्ट को डालते हैं। और कंपोस्ट डालने के बाद में इसमें भी स्पॉनिंग जो की जाती है वो लेयर वाइज की जाती है। लेयर वाइज स्पॉनिंग करने के बाद में बैग्स को जो है बंद करते हैं। बैग्स को बंद करने के बाद में इसको भी अंधकारयुक्त पहले रूम में रखते हैं, फिर उसके बाद में इसको लाइट रूम में रखते हैं। और लाइट रूम में रखने के बाद में बैग्स को ओपन कर देते हैं। धीरे धीरे से इसमें जब इसका जर्मिनेट बॉडी स्ट्रक्चर आगे बढ़ता रहता है, फिर इसमें से मशरूम उगना स्टार्ट हो जाता है। या मशरूम उगने की जो टाइमिंग है ये थोड़ा लेंथी है ऑयस्टर मशरूम के अकॉर्डिंग, बट ये सबसे खाने में स्वादिष्ट है और इसको लोग देश विदेश में बहुत ही प्रिय मानते हैं और बहुत ही यूज करते हैं इसका शादी पार्टियों में। और अच्छे अच्छे से इसके साथ में इसको पनीर की तरह, पनीर मटर मशरूम, बटन मशरूम, बहुत तरह तरीके से इसको यूज करते हैं। इसके साथ में इससे बिस्किट भी बनाया जाता है इसके बेस्ट पाउडर से, और इससे अदर भी मेडिसिन वगैरह भी यूज की जाती है, और भी अच्छे क्वालिटी में काफी इससे खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। और इसकी कॉस्ट की अगर बात की जाए तो इसकी भी कॉस्ट में ज्यादा लागत नहीं लगती है, समथिंग मान के चलो ऑयस्टर मशरूम से कुछ लागत इसकी एक्स्ट्रा लगती है, बट
बात की जाए इसके प्रोडक्शन की, तो इसमें भी प्रोडक्शन 3 से 4 किलोमीटर 4 किलोग्राम के समथिंग होता है, जो कि 1 किलो मशरूम का रेट समथिंग मान के चलते हैं 250 से 300। तो ये मशरूम की अगर रेट की बात की जाए तो 200 का भी अगर एवरेजन आप लेते हैं, अगर 3 किलोग्राम एक बैग से रेडी होता है तो 600 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रखी जाती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर का बहुत ध्यान देते हैं। इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से पहले ही, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होना चाहिए। हाइएस्ट अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन करने के लिए टेम्परेचर का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए BOD टेम्परेचर सेटअप का भी यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का भी यूज करते हैं, अगर भी कई कंटेंट्स का यूज करते हैं, और रूम का तापमान का विशेष ध्यान देते हैं। थैंक यू।